सीधे आपको उत्तराखंड के मसूरी लिए चलते हैं, जहां जेपी नड्डा चुनावी हुंकार भरेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। ऊंचाइयों को छुआ है, नित नए आयाम स्थापित करने का काम भारत कर रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर अंत्योदय के लक्ष्य को निर्धारित करके दिन रात थके बिना रुके बिना लगातार प्रयास कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 10 सालों तक उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया, हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित कर दिया और बहुत सारे निर्णय लिए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। और आप सब जानते हैं कल ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, बहुत सारे हर किसी के उदय की बात उसमें की गई है, हर किसी को आगे बढ़ाने की बात की है। महिला हो, गरीब हो, किसान हो, युवा हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है। और साथ साथ में विकसित भारत का भी संकल्प लिया गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड को एक बेहतर और श्रेष्ठ राज्य बनाने का ये निर्णय मार्ग प्रशस्त करेंगे। समान नागरिक संहिता भाजपा के संकल्प पत्र में देश में यूसीसी लागू करने का वायदा किया गया है और हम 2022 के चुनाव में इसी विधानसभा के चुनाव में जब गए थे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो हमने उत्तराखंड की बेतुले जनता से ये संकल्प रखा था कि उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक लाकर उसको पारित करेंगे। भाई बहनों, इसलिए खुशी है कि इस बार जो गंगोत्री उत्तराखंड देवभूमि से निकली है, अब वो पूरे देश के अंदर जाने वाली है। मैं अपनी अध्यक्ष जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ नकल विरोधी कानून, इसको भी संकल्प पत्र में स्थान दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर हम इसको पहले ही लागू कर चुके हैं। भाइयों बहनों, हमने लैंड जिहाद पर बड़ी कार्रवाई की है। आप सबको पता है किस प्रकार का अतिक्रमण होता था, किस प्रकार से कुछ धार्मिक ढांचे खड़े करके हमारी 4,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अभी तक हमने अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। लैंड जिहाद के साथ साथ गंगा रोधी कानून हमने बनाया है, धर्मांतरण विरोधी कानून हमने बनाया है। भाइयों बहनों, ये सब उत्तराखंड किया जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप न बिगड़े, वो मूल स्वरूप बना रहे, इसका हमने संकल्प लिया है और उस संकल्प को लगातार हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने कहा था कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, अतिक्रमण हटाने का ये अभियान हमारा जारी रहेगा, तो कुछ कांग्रेस के मित्रों ने उसको उसका भी दुष्प्रचार शुरू कर दिया, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि जो अवैध अतिक्रमण हमारी सरकारी जमीनों पर है, जो उत्तराखंड के मूल स्वरूप को खराब करता है, उसको क्षति पहुंचाता है, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है, उस पर भी ये राजनीति करने से बाज नहीं आए। भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में से कहना चाहता हूँ, इस आंदोलनकारियों की भूमि से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को किसी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा, उससे छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने मातृशक्ति के लिए 30% का 36% आरक्षण यहाँ पर शुरू किया है। मसूरी विधानसभा के अंदर विकास के अनेक कार्य किए हैं। यहाँ पर गणेश जोशी जी और हमारी माला लक्ष्मी शाह जी मिलकर लगातार मसूरी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यातायात सुगम करने के साथ क्षेत्र के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए निरंतरता से प्रयास हो रहा है। अभी हाल ही में 70 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का यहाँ लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। भाइयों बहनों, एक और हमारी मोदी जी की विकास की गारंटी वाली डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों के देश को लूटने की गारंटी वाली कांग्रेस है। इस बार दो विचारधाराओं में लड़ाई हो रही है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार समाप्त करना है, परिवारवाद समाप्त करना है, तुष्टिकरण समाप्त करना है, ये कहते हैं मोदी जी को हटाना है, भ्रष्टाचार को बढ़ाना है, परिवार को संरक्षण करना है। इस प्रकार का भाइयों बहनों, इन्होंने आपने देखा होगा 2014 से पहले कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन कोई ना कोई घोटाला सामने ना आता हो। जितने भी घोटाले हुए, अगर घोटालों के पीछे आप जाएंगे तो इन सारे घोटालों के पीछे एक ही पार्टी निकलेगी, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। भाइयों बहनों, लेकिन आप मोदी जी के नेतृत्व में जब भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है,
तो ये सारे के सारे जितने भी इस प्रकार के दल हैं, ये मिलकर जो है गठबंधन बना रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारी मिलकर एक ठगबंधन बना लिया है और झूठ और भ्रम फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। देश की जनता दूर दूर तक कहीं इनको सत्ता नहीं देने वाली है। भाइयों बहनों, कि अब जब ये झूठ बोलते बोलते इनको जनता में जनता का इन्होंने विश्वास खो दिया है, तो अब ये ईवीएम का झूठ बोलते हैं। जब ईवीएम पर भी जो है इनका पूरा नहीं होता है तो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई, देश के अंदर आपातकाल किसने रोका था और किसने देश के अंदर तानाशाही की थी, देश की जनता भली भांति जानती है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने कभी नहीं बताएगी कि कल मैं पीलीभीत में और सीमांत क्षेत्र पूरनपुर पीलीभीत और मझोला में था, जहां सिख भाइयों के बीच में था, वहां हर एक सिख भाई कह रहा था कि 1984 के दंगों को मैं कत्लेआम करने वाले आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। भाइयों बहनों, और सत्ता हटाने के लिए इन्होंने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था। कांग्रेस के काले कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। आज देश में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के पीछे कांग्रेस पार्टी है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक एक समस्या का समाधान किया जा रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें इस बार के चुनाव में कांग्रेस को भारी मतों से हराकर टिहरी लोकसभा क्षेत्र का रिकॉर्ड कायम करते हुए तीसरी बार चौथी बार हैट्रिक लगानी है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से अपील करना चाहता हूं कि 19 अप्रैल को आप सब पहले मतदान करें और मतदान के बाद जलपान करें। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि माला लक्ष्मी शाह जी को आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए और माला लक्ष्मी शाह जी को विजय बनाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। मैं यही निवेदन करते हुए आप सब लोगों से अपील करता हूं, मेरे साथ जोर से, क्योंकि अध्यक्ष जी को हम सब लोगों को संबोधित करना है, मेरे साथ मुट्ठी बांध कर जोर से बोलिए, फिर एक बार अब की बार भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आज हमारे इस मसूरी शहर का सौभाग्य है कि हमें आदरणीय नड्डा जी का आतिथ्य करने का सौभाग्य मिला है। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 22 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं बनी है, बल्कि सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी। साथ ही साथ मैं उन शहीदों को भी नमन करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड को अस्तित्व में लाने के लिए अपनी शहादत दी, और उस शहादत कभी व्यर्थ ना जाए और उत्तराखंड आगे बढ़े, संकल्प को लेकर के हम सब लोग चले। मित्रों, चुनाव की बेला है, हम सब लोग माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को यहां से फिर से सांसद चुनने के लिए संकल्प लेकर के। दवाई को आने में 30 साल लग गए, इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 29 साल लग गए। हमारे देश में ये लेप्रसी की दवा को आने में 35 साल लग गए, इस देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 1906 में दवाई बन गई थी, 2006 में भारत में आई, लेकिन कोरोना 2020 को 20 जनवरी को दस्तक देता है, 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री टास्क फोर्स बनाते हैं और 9 महीने के अंदर एक नहीं दोनों वैक्सीन बना करके भारत को खड़ा कर देते हैं। और 220 करोड़ डबल डोज 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगा करके देश को तैयार करते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम होता है और दुनिया का सबसे तेज वैक्सीन प्रोग्राम होता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और सुनिए, अमेरिका का व्यक्ति जब भारत के दिल्ली पर उतरता है तो
तो कागज का सर्टिफिकेट दिखाता है कि मेरे को वैक्सीन लग गई है। और भारत का आदमी जब अमेरिका जाता है तो वो अपना मोबाइल नंबर दिखाता है कि मेरे को वैक्सीन लगी है, उसका सर्टिफिकेशन मोबाइल से निकाल देता है। ये डिजिटल भारत है, ये बदलता भारत है, ये बदला हुआ भारत है जो हमको समझने की जरूरत है। पहले मानते थे दवाई दो, वैक्सीन दो, फलाना दो, ढंकाना दो। आज भारत 100 देशों को वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन, वैक्सीन मैत्री में पहुंचाया और 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई, ये व्यवस्था करते हुए। मित्रों आप बताइए, आप पहाड़ के रहने वाले बताइए, गांव की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? बदली है कि नहीं बदली है? आप बताइए, आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 80 करोड़ की जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बताइए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बताइए, स्वच्छता अभियान में गांव में शौचालय बन गए कि नहीं बन गए? अब कोई मुक्त शौचालय नहीं जाता है ना, ये फर्क आया कि नहीं आया? आप बताइए, आयुष्मान भारत में आपको इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मित्रों मैं आपको तस्वीर बताना चाहता हूं, मैं बार बार बताता हूं और मैं यहां भी बताना चाहूंगा। मैं 1993 में MLA बन गया था, 1993 में। उस समय मेरा एक्सीएन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD मेरे पास आता था, बोलता था, नड्डा साहब आप अगले साल की सड़कों का योजना बताओ, योजना बताओ। तो मैं उसको योजना बताता था, फलाने गांव से फलाने गांव सड़क, फलाने गांव से फलाने गांव सड़क। तो 40 सड़कें मैं दे देता था कि ये 40 सड़कें हैं। और जब बजट आता था तो मुझे 40,000 रुपए बजट में मिलते थे। मैं बोलता था ये 40,000 40 सड़कों में कहां लगाऊंगा। ये स्थिति थी। मैं जब MLA बना तो मेरे इलाके में 90% सड़क नहीं थी, मैं मुझे पैदल जाना पड़ता था। और आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 3 लाख से ज्यादा गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया। आज कोई गांव बिना सड़क के नहीं। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? तो आप मसूरी से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की और बात चुनावों की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग से जुड़ी आज की बड़ी खबर। 100 करोड़ से ज्यादा हर दिन चुनाव आयोग जब्त कर रहा है। इसी ने 4,650 करोड़ जब्त किए हैं 1 मार्च से। हर दिन करीब 100 करोड़ की जो राशि है वो जब्त की जा रही है। 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा रकम अभी तक जब्त की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव को देखते हुए हलचल जो है तेज हो गई है। इसी दौरान चुनाव को प्रभावित करने के लिए, कैश फ्लो रोकने के लिए चुनाव आयोग काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा हर दिन जब्त किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4,650 करोड़ रुपए अभी तक जब्त कर लिए हैं। 1 मार्च से हर दिन लगातार जो है करीब 100 करोड़ की जो राशि है वो जब्त की जा रही है। 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा जो रकम है वो अब की बार जब्त की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। 19 अप्रैल से जो पहला फेज है वोटिंग का वो शुरू होने वाला है। उसको देखते हुए हलचल जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है। इसी दौरान चुनाव आयोग भी काफी एक्टिव नजर आ रहा है। चुनाव आयोग अब तक अगर बात की जाए करोड़ों में 4,650 करोड़ रुपए अभी तक जब्त कर चुका है। 100 करोड़ से ज्यादा हर दिन एवरेज में जब्त किया जा रहा है। 1 मार्च से हर दिन करीब 100 करोड़ की जो राशि है वो जब्त की जा रही है। पिछले 75 साल के इतिहास में ये सबसे बड़ा फिगर है जो अभी तक जब्त किया जा चुका है। हर दिन 100 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है वो चुनाव आयोग जब्त कर रहा है। तो चुनावों को प्रभावित करने के लिए काफी ज्यादा कैश फ्लो देखने को मिलता है। उसी चीज को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए चुनाव आयोग काफी सख्त नजर आ रहा है।
लगातार बॉर्डर्स पर चेकिंग हो रही है और इसी दौरान चुनाव आयोग ने अब तक 6,400 करोड़ जब्त कर लिए हैं। वहीं 1 मार्च से लगातार हर दिन 100 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है वो जब्त की जा रही है। उन्नीस अप्रैल से लोकसभा चुनाव के पहले फेज की शुरुआत हो रही है, 4 जून को नतीजे आने हैं। इसी को देखते हुए हलचल जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है। चुनाव को देखते हुए चुनाव को प्रभावित करने के लिए कैश फ्लो या दनभल का जो प्रयोग है वो किया जाता है। इसको देखते हुए उसकी रोकथाम के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव आयोग काफी सख्त नजर आ रहा है। हर दिन चेकिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन 100 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो पकड़ रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा हर दिन जब्त किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अब तक 4,650 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। 1 मार्च से हर दिन करीब 100 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है वो जब्त की जा रही है। 75 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि अब तक सबसे ज्यादा रकम जो है चुनाव को देखते हुए हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है, तैयारियां की जा रही है चुनाव की। वहीं चुनाव आयोग भी काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है, लगातार बॉर्डर्स पर चेकिंग चल रही है, चुनाव को किसी भी तरह से प्रभावित ना किया जा सके, कैश फ्लो रोका जा सके, इसको देखते हुए चुनाव आयोग काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। इस दौरान हर दिन 100 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है वो चुनाव आयोग जब्त कर रहा है। अब तक 4,600 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त किए जा चुके हैं। 75 साल के इतिहास में पहली बार है जब रोजाना चुनाव आयोग 100 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है उसे जब्त कर रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमान, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। अमान, अगर बात की जाए जिस तरह से 19 अप्रैल से पहला फेज जो है लोकसभा चुनाव का वो शुरू हो रहा है, ऐसे में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। कैश फ्लो रोका जा सके उसके लिए लगातार चेकिंग की जा रही है और रोजाना 100 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है वो जब्त की जा रही है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी रिया, देखिए आपको बता दें जिस तरह से इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कार्रवाइयां हुई हैं वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकेगा कि 75 सालों में इस तरह की कार्रवाई जो पहली बार की जा रही है कि प्रतिदिन 100 करोड़ के करीब जो राशि है वो पकड़ी जा रही है और वहीं साथ ही साथ जो अवैध शराब है शराब भी पकड़ी जा रही है। साथ में वही इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है उसकी भी एक बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है। वहाँ पे जो लगातार जो पुलिस है अपने तंत्र और अपने सूत्रों को लगातार सक्र किए हुए है, जो लगातार इस तरह की जो जानकारियां हैं जिसका जो है चुनाव के दौरान जो गलत इस्तेमाल किया जा सकता है उस सारी चीजों पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है और उन पे कार्रवाई करके उस तरह की राशि हो या अवैध शराब हो सभी को जब्त किया जा रहा है। बिल्कुल मोहम्मद अमान, चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में देखते हुए हलचल तेज हो गई है और चुनाव आयोग यहां पर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।